हे गाइस, अगर आपको आर्ट और स्केच में इंटरेस्ट है तो जल्दी जाके एसडी स्केच आर्टिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही अच्छा चैनल है आर्ट और ड्राइंग के लिए। तो अगर आपको इस चैनल की लिंक चाहिए तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इन आई बटन, तो जल्दी से विजिट कीजिए। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे आपके चैनल पेट सोल्स में। और आज की वीडियो में हम टॉप 5 मोस्ट स्ट्रांगेस्ट डॉग्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो नंबर 5 पे आता है पिटबुल। तो पिटबुल जो है वो बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर डॉग है और इनका साइज़ मीडियम टू लार्ज साइज़ के डॉग्स में आता है। इनको बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव डॉग होते हैं ऐसा माना जाता है, पर पिटबुल को अगर आप जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं। और बाकी ज़्यादातर पिटबुल तो इसी कारण एग्रेसिव होते हैं कि उनको अच्छे से ट्रेन और सोशलाइज ना किया जाता है। अब नंबर 4 पे जो डॉग ब्रीड है वो है रॉटवाइलर। रॉटवाइलर के जो पपीज़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट होते हैं और जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे इनका जो जॉ है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इनका जो कलर है वो मेनली ब्लैक एंड टैन में आता है और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग एंड मस्कुलर डॉग ब्रीड होते हैं। वैसे तो ये बहुत ही खुशमिजाज होते हैं, पर अगर इनको अच्छे से ट्रेन और सोशलाइज नहीं किया गया तो ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे और ये ओनर पर भी अटैक कर देते हैं, ऐसी बातें बनाई जाती है। पर ये डॉग ब्रीड बहुत ही लॉयल होते हैं ओनर और फैमिली के लिए, बस उनको अच्छे से ट्रेन और सोशलाइज करना पड़ता है। तो नेक्स्ट डॉग ब्रीड हमारी इस लिस्ट में आती है वो है डोगो अर्जेंटिनो। और ये मेनली वाइट कलर में आते हैं और ये साइज़ में भी बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। कुछ लोग इनको पिटबुल समझ लेते हैं पर ये पिटबुल से काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और इनमें सिर्फ वाइट कलर ही आता है। ये जो डॉग ब्रीड है वो ओनर के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, एग्रेसिव नहीं प्रोटेक्टिव होते हैं और हमेशा अपने ओनर को सेफ रखने की कोशिश करते हैं। तो अब नेक्स्ट जो डॉग ब्रीड है वो है टिबेटियन मैस्टिफ। और इनका ओरिजिन टिबेट के एरिया से हुआ था और ये दुनिया की बहुत ही एक्सपेंसिव डॉग ब्रीड में से एक है। इनका प्राइस मिनिमम 2 लाख के अराउंड होता है और ये साइज़ में और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं। इनके बाल भी बहुत बड़े बड़े होते हैं और इनको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आप इस डॉग ब्रीड को लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा आपको इस डॉग ब्रीड को पालना। और ये डॉग ब्रीड अगर अच्छे से सोशलाइज या फिर ट्रेंड ना की जाए तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है ओनर के लिए और जिस पर ये अटैक कर दे उनके लिए भी। और इनको मेनली ठंडे रीजन में पाला जाता है जैसे कि नेपाल और कश्मीर जैसे रीजन में इनको रखा जाता है और ये बहुत ही खतरनाक डॉग ब्रीड होती है। तो नेक्स्ट डॉग ब्रीड है वो है कॉकेशियन शेफर्ड। कॉकेशियन शेफर्ड का ओरिजिन कॉकेशिया के आसपास की रीजन में हुआ था और ये बहुत ही स्ट्रांग डॉग ब्रीड है और माना जाता है कि ये डॉग ब्रीड लायन को भी हरा सकती है। इनको भी मेनली ठंडे रीजन में ही पाला जाता है और इनके बोन्स और जॉज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। इनका साइज़ भी बहुत ही लार्ज होता है इसलिए इनको रखने के लिए बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है। तो सबसे पहली और सबसे ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट डॉग ब्रीड वो है कांगल डॉग। कांगल डॉग जो है वो साइज़ में बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं और ये डॉग ब्रीड माना जाए तो बहुत ही खतरनाक होंगे। और दुनिया की सबसे अगर स्ट्रांगेस्ट डॉग की बात की जाए तो वो होंगे कांगल डॉग। ये जो है वो हर्डिंग ग्रुप से बिलोंग करते हैं और ये हर्ड्स को यानी कि शीप और बाकी जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुँचे।